हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको यह जानकारी है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? अगर लास्ट ईयर की फिगर की बात करें तो पूरे इंडिया में 2 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर बिक चुकी हैं 2019 में। और जैसा कि आपको पता होगा 31 मार्च 2020 जो है वो BS4 गाड़ियों के लिए लास्ट डेट था। तो अभी आपको जो सड़कों पर गाड़ियां मिलेंगी, चाहे वो टू व्हीलर गाड़ियां हो, फोर व्हीलर गाड़ियां हो, कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी हो, सभी की सभी गाड़ियां BS6 में मिलेंगी। तो कंपनीज ने ये डिसाइड किया है कि BS6 में वो बहुत सारी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो या टू व्हीलर इंडस्ट्री हो। तो आज का टॉपिक टू व्हीलर से रिलेटेड है। मैं हूं नितेश, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी टू व्हीलर्स हैं जो काफी धूम मचाया करती थी बट BS6 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी टू व्हीलर्स हैं जो आपको BS6 में देखने को नहीं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, पहली जो गाड़ी है वो हीरो की एक्सट्रीम 200S एंड 200R, दो गाड़ियां आती थी बट BS6 में आपको यह गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर अभी कंपनी की वेबसाइट आप चेक करोगे तो वहां पे ये गाड़ी आपको अपकमिंग दिखा रही है BS6 में। तो क्या होगा फ्यूचर में, ये तो कंपनी को डिसाइड करना है, बट अभी तक की जो न्यूज है वो यही कहती है कि ये गाड़ी आपको BS6 में देखने को नहीं मिलेगी। अगर अगली गाड़ी की बात करें तो अगली गाड़ी यमहा की गाड़ी है जिसका नाम है सल्यूटो। और सल्यूटो सीरीज में टोटल दो गाड़ियां आती थी, सल्यूटो RX एंड सल्यूटो 125। काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी ये गाड़ी, मार्केट में आपको भी देखने को कम ही मिली होगी। तो यमहा का ये कहना है कि इसके कंपटीशन में काफी सारी गाड़ियां ऐसी आती थी जिनका नंबर काफी अच्छा हुआ करता है, बट इस गाड़ी का नंबर अच्छा नहीं है तो इसको हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं अपने BS6 वर्जन में। तो देखिए क्या होता है फ्यूचर में, क्या डिसाइड करती है कंपनी इसके जगह कोई गाड़ी लेकर के आती है या नहीं आती है। बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी भी यमहा की फेजर गाड़ी है जो कि काफी फेमस गाड़ी है यमहा की, बट कंपनी का कहना है कि उनकी जो खुद की गाड़ियां आती हैं FZ और R15 वगैरह, उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इस गाड़ी को भी हम BS6 में लेकर के नहीं आएंगे। तो इसके जगह पे क्या वो कोई दूसरी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, ये तो कंपनी को ही पता होगा। वो जल्दी न्यूज अगर बाहर आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट ये गाड़ी जो आप देख रहे हो फेजर, अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगली गाड़ी की बात करें तो काफी फेमस गाड़ी है होंडा की। होंडा की ये गाड़ी काफी लंबे समय से मार्केट में प्रेजेंट है जिसका नाम है CBR 250R। काफी खूबसूरत गाड़ी है, इसका लुक वगैरह काफी अच्छा है, स्पोर्टी लुक है, बट ये गाड़ी भी BS6 में आपको देखने को नहीं मिलेगी, कंपनी का ऐसा कहना है। हालांकि उन्होंने अभी इसका एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है सिंगापुर में। तो क्या वो गाड़ी, सिंगापुर वाली जो गाड़ी है, वो इंडिया में भी आएगी? अभी इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, बट ये गाड़ी जो इंडियन मार्केट में BS4 में आया करती थी, अब ये गाड़ी आपको BS6 में देखने को इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगी। और अगली गाड़ी की अगर बात की जाए तो काफ़ी फेमस गाड़ी है, काफ़ी कॉस्टली गाड़ी है और स्पोर्ट बाइक है ये, जिसका नाम है सुजुकी हायाबुसा। और ये गाड़ी भी काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, सभी लोगों की पसंद है, सभी लोग चाहते हैं कि ये गाड़ी उनके पास भी हो जाए, बट ये गाड़ी भी आपको BS6 में देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत डिजाइनिंग थी इसकी, स्पोर्ट बाइक थी और ये गाड़ी काफ़ी लंबे समय से मार्केट में प्रेजेंट है, बट BS6 में कंपनी का ये कहना है कि BS6 में इस गाड़ी को वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। हो सकता है इसके जगह पे कोई दूसरी गाड़ी वो लॉन्च करें BS6 में, इसी से मिलती जुलती उसकी डिजाइन हो, बट अभी ये फ्यूचर पर डिपेंड करता है कि वो लाएंगे या नहीं लाएंगे। और अगर अगली गाड़ी की बात करें तो इंडियन मार्केट में राज करने वाली ये गाड़ी है जिसका नाम है रॉयल इनफील्ड। और कंपनी का ये कहना था, कंपनी ने जनवरी में ही बता दिया था कि वो 500cc की जो गाड़ियां हैं उसको वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब 500cc का इंजन वो बंद करने वाले हैं। तो रॉयल इनफील्ड सीरीज की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो थंडरबर्ड हो, चाहे वो बुलेट सीरीज की गाड़ी हो, ये सारी गाड़ियां जो 500cc में आती थी, अब वो गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि 350cc की गाड़ी अभी कंटिन्यू कर रही है, BS6 लॉन्च हो चुकी है, बट 500cc की गाड़ी आपको देखने को अब नहीं मिलेगी। और इसके साथ कुछ और सारी भी गाड़ियां हैं, जैसे बजाज की एक फेमस गाड़ी थी डिस्कवर। डिस्कवर ने काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में राज किया, उसमें 110cc 125cc की जो गाड़ी आती थी, अब वो आपको देखने को BS6 में नहीं मिलेगी। इसके साथ ही होंडा की नवी, होंडा की स्कूटी जो आती है क्लिक, ये सब गाड़ी भी आपको BS6 में देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके अलावा कोई अगर गाड़ी बच जाती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हालांकि मेरे नॉलेज में यही सारी गाड़ियां थी जो अब BS6 में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, अब इन सारी बाइकों को आप BS6 में नहीं देख पाएंगे। हालांकि इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी भी थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी BS4 में, बट साथ ही साथ कुछ गाड़ियां ऐसी भी थी जिनका परफॉर्मेंस BS4 में अच्छा था, बट कंपनी का डिसीजन है कि BS6 में इनको डिसकंटिन्यू करेंगे। तो आप और हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको आपको देखने का मौका सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपसे विदा लेना चाहूंगा, जल्दी मिलूंगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी अन्य गाड़ी के रिव्यू के साथ या किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए।
तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, घर में रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।